Hello, my dear students of class 10. Today I will going to teach chapter the age of industrialization. Previous video mein maine life of the workers and the steam power batayi thi. Aaj main bata rahi hu ki kis prakar workers ka life यानी कि टाउन एरिया में किस प्रकार से उनका व्यतीत होता है. उसमें हम देखे थे कि पहले टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो उस समय हैंड लेबर की ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करते थे, जिससे बहुत सारे जो वर्कर्स थे उनको जॉब मिली हुई थी, यानी कि उनको अपनी काम मिली हुई थी. लेकिन जब नई नई टेक्नोलॉजी आई तो किस प्रकार उनका लाइफ बेकार हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, यानी कि बेरोजगारी बढ़ जाती है, लोग इधर उधर जॉब की तलाश में भटकना शुरू कर देते हैं. तो आज का जो वीडियो है वह है लाइफ ऑफ द वर्कर्स. लाइफ ऑफ द वर्कर्स का किस प्रकार उनका लाइफ बीतता है, तो इसमें है कि माइग्रेशन फ्रॉम कंट्री साइड, यानी कि बहुत सारे लोग अपने जॉब की तलाश में कंट्री साइड से माइग्रेट करते हैं और टाउन की तरफ आते हैं. तो एकाएक टाउन में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई. यहाँ पे उनको जॉब भी नहीं मिल रही थी जल्दी से, तो मेनी जॉब सीकर्स हैड टू वेट वीक्स, यानी कि बहुत सारे जो जॉब सीकर्स थे उनको सप्ताह भर महीना दिन उनको इंतजार करना पड़ता था जॉब के लिए. स्पेंडिंग नाइट्स अंडर ब्रीज, यानी कि वो अपना रात ब्रीज के नीचे और इन नाइट शेल्टर, जो वहाँ नाइट शेल्टर बनी हुई थी उनके नीचे, नाइट रिफ्यूजीज के नीचे या और कैजुअल वार्ड्स में उनको बिताना पड़ता था, जिनके चलते उनको बहुत सारे दिक्कत होती है. और इन सारे शेल्टर्स में, चाहे नाइट शेल्टर हो या नाइट रिफ्यूजी हो या कैजुअल वार्ड्स हो, इन सब का जो मेंटेन होता था बाय द पुअर लॉ अथॉरिटीज, यानी कि इनका जो मेंटेन बहुत पुअर कंडीशन में होता था. वहाँ एक एक वार्ड में 20-20 लोग सोते थे, जिसके चलते वहाँ उन लोग को, वर्कर्स को काफ़ी दिक्कतें होती थी. दूसरी बात कि यहाँ पे सीजनली वर्क होते थे, यानी कि किसी सीजन में जैसे क्रिसमस आई तो कुछ सामान बनेंगे और क्रिसमस चली गई तो सामान बनना कंपनी में बंद हो जाती थी, जिससे वर्कर्स को मान लीजिए 100 दिन काम मिला, 50 दिन काम मिला, लेकिन उनको जीना तो 365 दिन है. तो अब 100 दिन वो वर्क मिल गई, 100 दिन के बाद तो ऐसा चीज़ नहीं है कि वो 100 दिन के बाद वो खाना पीना छोड़ देंगे, यानी कि उनको तो एवरेज में यानी कि 365 दिन उनको वर्क मिलनी चाहिए, तभी कोई वर्कर्स अपने जीवन को बिता सकता है. तो इसके चलते सीजनली वर्क के चलते और भी जितने लेबर्स थे वो बेकार पड़े रहे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई. और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से क्या होती है, बहुत सारे दिक्कतें को जन्म दे दी, यानी कि मेनी प्रॉब्लम्स क्रिएटेड, बहुत सारे मतलब दिक्कतें का वहाँ पे उत्पन्न हो चुकी थी. इंक्रीज इन प्राइस, यानी कि सामान का, गुड्स का तो प्राइस दिनों दिन बढ़ रहा था, लेकिन उस हिसाब से उन लोग की वेजेस नहीं बढ़ रही थी, उल्टे डिक्रीज इन वेजेस, यानी कि उनका जो वेजेस था वो दिनों दिन घट ही रहा था. क्योंकि मान लीजिए इंक्रीज वर्कर्स, जब ये वर्कर्स की संख्या इंक्रीज होगी तो क्या होता है, लेबर्स की संख्या इंक्रीज होती है तो मजदूर सस्ते दर पे मिलना शुरू हो जाते हैं, तो क्या होता है उनका वेजेस घट जाता है. तो प्राइस तो बढ़ रही थी लेकिन उनका वेजेस जो था वो बहुत घट रहा था, जिससे लोगों में एक गरीबी, पुअरनेस का माहौल बन रहा था, यानी लोग दिनों दिन गरीब होते जा रहे थे. इसी बीच में
यानी कि पीपुल होस्टाइल टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। अब नई नई जो टेक्नोलॉजी आई तो नई नई टेक्नोलॉजी में मान के चलिए लेबर्स की जो संख्या है वो क्या कर देती है, वो रिड्यूस कर देती है। यानी कि एक मशीन में जहाँ पे लेबर की संख्या 5000 है, जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो वहाँ लेबर की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी 100 लेबर से ही वो काम को पूरा कर लेते हैं, जिसके चलते अब शेष जो लेबर बचते हैं उन वो बेकार हो जाते हैं। तो नई नई टेक्नोलॉजी के प्रति लेबर उस पर अटैक करना शुरू कर दिए। इसी बीच में आते हैं स्पिनिंग जेनी। तो स्पिनिंग जेनी में यानी थ्रेड को फोल्ड करने का जो काम होता था, इसमें महिलाएं अक्सर वर्क कर रही थी। तो स्पिनिंग जेनी इंट्रोड्यूस बाय जेम्स हार्ग्रीव्स के द्वारा स्पिनिंग जेनी का इंट्रोडक्शन हुआ इन 1764। तो इस स्पिनिंग जेनी में बाय टर्निंग वन सिंगल व्हील ए वर्क्स कुड सेट ए मोशन ए नंबर ऑफ स्पिंडल। इसमें तो सिंगल व्हील लगे हुए थे लेकिन स्पिंडल की जो संख्या थी वो बहुत ज्यादा थी। तो स्पिंडल की संख्या बहुत ज्यादा थी तो एक ही टाइम में वो सेवरल थ्रेड्स को फोल्ड कर देते थे, जिसके चलते उसमें जहाँ पे कि एक थ्रेड को फोल्ड करने के लिए एक लेबर चाहिए, वहाँ क्या है, एक ही लेबर बैठ करके इस स्पिनिंग जेनी में जस्ट लाइक चरखे की तरह मैंने वर्क करती है। तो इसमें एक लेबर बहुत सारे थ्रेड को फोल्ड एक ही समय में कर सकते हैं, जिससे इसमें लेबर की जो डिमांड हुई वो घटना शुरू हो गया। यानी महिलाएं बेकार होना शुरू हो गई, उनको काम मिलना बंद हो गया, जिसके चलते वहाँ की महिलाएं इस स्पिनिंग जेनी पर यानी इस मशीन पर अटैक करना शुरू कर दी, इसको तोड़ फोड़ करना शुरू किए, क्योंकि उनको लग रहा था कि इसी मशीन के चलते हम लोग अब बेकार पड़े रहते हैं। तो दिस टेक्नोलॉजी रिड्यूस्ड लेबर डिमांड, और ये टेक्नोलॉजी जो भी आती थी वो लेबर डिमांड को रिड्यूस कर देती थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यूरोपियन कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने के बाद वर्कर्स का जो लाइफ था वो बहुत पुअर कंडीशन में, यानी कि उनका लाइफ बहुत मिजरेबल हो चुका था। भले ही टेक्नोलॉजी नई नई टेक्नोलॉजी आई, प्रोडक्ट आइटम बहुत अधिक मात्रा में वहाँ बनना शुरू तो हो गया, लेकिन वहाँ ढेर सारे प्रॉब्लम को वो सब क्रिएट करना शुरू कर दिए थे। लेकिन बाद में कुछ काम भी शुरू हुआ जिससे कुछ लेबर का वहाँ पे डिमांड होना शुरू हो गया, जैसे कि रोड हो गया, रेलवेज, टनल, डग, ड्रेनेज, रिवर, बैंक। तो ये सारे चीज़ों का धीरे धीरे बाद में काम होना शुरू हो गया, तो कुछ लेबर की डिमांड वहाँ पे बढ़ती है। तो अब इसमें लाइफ ऑफ द वर्कर्स क्या क्या कंडीशन था या किसके चलते क्या हुआ, आज के वीडियो में हम लोग समझ लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अभी तक जो भी मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान मैं बताई हूँ उसमें ये था आपको यूरोपियन कंट्री के प्रस्पेक्टिव से। अब यही इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे इंडिया में आने के बाद यहाँ किस प्रकार का डेवलपमेंट होती है, तो उस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।